राम यादव का काफिला जयपुर के लिए रवाना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होगी मुलाकात। किशनगढ़ बास विधानसभा के सैकड़ों युवाओं का समर्थन जारी। अब हमारे साथ किशनगढ़ बास विधानसभा के राम यादव जी हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतने जन सैलाब को लेकर आप कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हम जयपुर जा रहे हैं, अपने हमारे खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और हमारे जनप्रिय नेता राहुल जी आ रहे हैं वहाँ पे और हमारे इसका भवन का शिलान्यास है तो उसके उत्साह आप देख ही सकते हैं कितना है। हर विधानसभा से मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम भी एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने कांग्रेस पार्टी का मैं भी हमें अपने साथियों के साथ जयपुर जा रहा हूँ। काफ़ी माहौल अच्छा है, उत्साह है। क्या लगता है कि आपकी किशनगढ़ बात जो विधानसभा है वहीं से है, बाकी अलवर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे पूरे ज़िले पूरे प्रदेश से क्या लगता है, राजस्थान से एक मैसेज क्या जा रहा है? पूरे ज़िले से नहीं, पूरे राजस्थान से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और ज़िले का तो ये हाल है। मुझे लगता है 11 की 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। जो अपनी विधानसभा है हमारी किशनगढ़ बास विधानसभा, ये तो कंफर्म कांग्रेस की सीट आने वाली है। चाहे पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, पार्टी हमें मौका देगी तो हम जरूर फाइट करेंगे। आज लगातार कई चर्चाओं में चल रहा है, आप कई वर्षों से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, काफ़ी छवि आपकी अच्छी है, तो लोगों का समर्थन जिस तरीके से आपको मिल रहा है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या उत्साह, क्या समाज सेवा के प्रति और भी खड़े अपने वादों पर उतरेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि जो मेरा नाम अगर क्षेत्र में लिया जा रहा है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में लिया जा रहा है और एक समाज के लिए हम जो काम कर रहे हैं उससे मुझे खुशी है। इस चीज़ के लिए भी मेरा नाम जब भी लिया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है। हाँ, डेफिनेटली अगर मैं लड़ता हूँ जीतता हूँ तो मैं शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दूंगा, उसमें मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं काम करूँ। शिक्षा के साथ साथ युवाओं के लिए क्या आप समाज सेवा करते आ रहे हैं और आने वाले वक्त में युवाओं के रोज़गार के नौकरी को लेकर क्या सोच रखते हैं? मेरे ज़्यादातर सोच या विचार में जो भी चीज़ रही है शिक्षा ही रही है और युवाओं के लिए रोज़गार के लिए रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। एक छात्रवृत्ति योजना हमने चला रखी है सरकारी स्कूलों में सिर्फ जो चलती है, तो उसमें बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों, आगे बढ़े, पढ़ लिख के कामयाब हों। और दूसरा एक एकेडमी खोल रखी है हमने जिसमें बच्चे हमारी आर्मी नेवी की ट्रेनिंग लेते हैं। जो बच्चे देश सेवा में जाना चाहते हैं, जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो बच्चे वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग और पढ़ाई अपनी या कोर्स पूरा करते हैं, तो एक अच्छा मौका है उनके लिए भी। जो बच्चे या जो परिवार आर्थिक मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं और हमारी शुरुआत भी अच्छी रही है, हमारे काफ़ी रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं उसमें, बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है उसके अंदर, तीन बच्चों का हुआ था, एक बच्चों का नंबर आ चुका है, दो बच्चे अभी पेंडिंग है रिजल्ट आना उनका। अच्छा, जिस तरीके से रैली में सैकड़ों की तादाद में आप जाके जन समर्थन लेके जा रहे हैं, एक विपक्ष के लिए क्या मैसेज जाता है, क्या लगता है कि विपक्ष इस बार आपके कि ऐसा तो नहीं कि जड़ें उखड़ रही हो कहीं से? विपक्ष की जड़ें ही नहीं है हमारी विधानसभा में, तो जड़ें ही नहीं है। हाँ, वो एक्टिव ही नहीं है, मतलब विपक्ष है ही नहीं एक तरह से। पिछले कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ, हम भी काम कर रहे हैं, क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, सबके बीच में रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता। तो जिस तरीके से आप किशनगढ़ बास विधानसभा में रहे हैं, काफ़ी निरंतर आपने समाज सेवा की है, तो आपको क्या लगता है उनके कार्य विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य जो उनसे ना हुआ हो और आपके मन में चल रहा हो कि हम ऐसा अच्छा करेंगे? देखो, मेरी तो प्राथमिकता शिक्षा ही है, तो मुझे नहीं लगता शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम अभी तक इतने सालों में, 15 साल जैसे हो गए इस सीट को बने हुए, किशनगढ़ बास विधानसभा जब से सीट बनी है हमारी पार्टी यहाँ पे अभी तक जीत नहीं दर्ज करा पाई है। पर इस बार विपक्ष जो है एक तरह से मान लीजिए बीजेपी बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई भी बीजेपी के कैंडिडेट क्षेत्र में नज़र नहीं आते आपको। अभी लास्ट टाइम आ रहा है चुनाव के 2 महीने पहले, अब ये कुछ रैली वैली निकाल के अभी जो भी प्रोग्राम ये कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि समाज सब देखते हैं, सब लोग समझदार हैं। आज की डेट में जो नेता आजकल सब
जनता जागरूक है, जो नेता समाज में रहता है, समाज के लिए खड़ा रहता है, सब उसको परखते हैं, जांचते हैं और उस पर निर्णय भी लेते हैं। आजकल कोई मूर्ख नहीं है, सब समझदार है। राम जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी वाले अब आए हैं चुनाव भी माहौल में कुछ दिनों के लिए निकल के, 5 वर्षों में क्या रहा, घर ही बैठे रहे? और दूसरी बात आपने कही थी कि सिर्फ बीजेपी वाले, तो बसपा वाले कहाँ गए? नहीं, बसपा तो है ही नहीं यहाँ पे, देखिए। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ समीकरण बन जाते हैं, पिछली बार कुछ समीकरण बन गया था, कुछ सिंपैथी की वोट भी मान लीजिए कन्वर्ट हो गई थी तो डॉक्टर साहब यहाँ से चुनाव हार गए थे, तो ऐसी बात नहीं है। इस बार कोई ऐसा माहौल नहीं है, वो बसपा में लड़के आए जरूर थे, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। मतलब बसपा का भी समर्थन आपको है? बसपा का कोई के समर्थन क्या लेना है, हम कुछ अपना काम से, अपनी पहचान से, हाँ। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जैसा आदेश देगी वो हम काम करेंगे, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ राम यादव जी थे। जैसा कि इनका कहना है कि लगातार जो प्रक्रिया समाज सेवा की चल रही थी वो आज भी चल रही है, और आने वाले वक्त में अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है तो हो सकता है कि कुछ युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, अपने क्षेत्र और अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के लिए कुछ अच्छा करने का उत्साह रखते हैं। आपके साथ में तवरेज अलवर।